हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं प्रतीक वराडे और आज का जो कंटेंट है ये थोड़ा हटके कंटेंट है, क्योंकि देखिए आज हम देखने वाले हैं जो स्क्रैप मार्केट रहता है मेनली कार्स का, सो वो आज हम कम्प्लीटली देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आपके दिमाग में स्क्रैप बोलने के बाद क्या आता है? सो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कुछ तो भी भंडार टाइप गाड़ियाँ, या फिर जो गाड़ियाँ कुछ भी काम की नहीं है, सिर्फ रस्टिंग पकड़ी हुई है, वो आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम कम्प्लीटली देखने वाले हैं कि स्क्रैप क्या होता है। सो सबसे पहले देखिए, जो मैंने वहाँ पे देखा हुआ है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सो वहाँ पे जब मैं गया, सो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी जो आप लोग सोच रहे हैं, ऐसी भी गाड़ियाँ थी कि जो आज भी रोड पर बहुत अच्छे से दौड़ सके, एज वेल एज पावर विंडो, एसी, सेंट्रल लॉकिंग, ये सब उन गाड़ियों का चालू था। और यही नहीं बल्कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, टाटा सफारी, मित्सुबिशी पजेरो, ये सब गाड़ियाँ वहाँ पे थी। सो अगर आप उन गाड़ियों के कुछ पार्ट्स भी खरीदना चाहते हैं सो आप पार्ट्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर एज वेल एज एड्रेस दे दिया है। और आप लोग वीडियो पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली खुद ओनर बताने वाले हैं कि वो प्रोसीजर क्या रहती है अगर आप आपकी गाड़ी स्क्रैप में डालना चाहते हैं तो। सो देखिए, जैसे बोल सकते हैं, अभी आप लोग बोलोगे कि गाड़ी खराब ही नहीं हुई तो हम गाड़ी स्क्रैप में क्यों डालें। सो सबसे बड़ा सवाल यही आता है। सो देखिए कैसे रहता है, कोई कोई लोगों का जो प्रायोरिटी रहता है वो उनका जॉब रहता है, एंड जब वो सपोज फॉर एग्जाम्पल वो सिटी या फिर कंट्री छोड़ के जाना चाहते हैं दूसरे देश में, सो उनको वो गाड़ी सेल करना पड़ता है। और वही अगर गाड़ी किसी गलत हाथ में लग गई एंड कुछ क्राइम हुआ, सो इनको भी कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से भी कुछ कुछ लोग 15 ईयर्स होने के पहले ही उनकी गाड़ी स्क्रैप में डाल देते हैं, क्योंकि उसका एक आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है जिससे कि आप आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम भी आया तो आप बता सकते हैं कि हमारी गाड़ी तो स्क्रैप में गई थी। और जनरली ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस मैं रिव्यू ऑटोमोबाइल में गया था वहाँ पे वो सर ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीटली ओरिजिनल है तो ही हम गाड़ी एक्सेप्ट करते हैं, वरना गाड़ी रिजेक्ट कर दी जाती है। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप ज़रूर, अगर आपके पास में अगर कोई गाड़ी आप है एंड उसके अगर आप लोगों को पार्ट्स नहीं मिल रहे तो आप सर से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो बहुत ही कम एंड मिनिमम रेट में आपको पार्ट्स प्रोवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। सो आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसके प्रोसीजर क्या है। सो हमें आदेश सर जो है, मतलब कि जो ओनर है, वो कम्प्लीटली लास्ट में बताने वाले हैं। सिंपली आपको उनके पास में गाड़ी लेके जाना है, उसके बाद में आप लोगों को कम्प्लीटली जो RTO की प्रोसीजर रहती है उसमें भी हेल्प करने वाले हैं, एज वेल एज आपको पेमेंट कब मिलेगा। सो पेमेंट देखिए, जैसे ही आप आपकी गाड़ी उनको हैंड ओवर कर देते हैं वैसे ही आपको आपका पेमेंट कम्प्लीटली मिल जाएगा। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपकी गाड़ी अगर एक बार गेट के अंदर गई, उनके वर्कशॉप के अंदर गई, उसके बाद में वो गाड़ी बाहर बिल्कुल नहीं आने वाली। भले ही उसके पार्ट शेयर नहीं होंगे लेकिन जो कम्प्लीटली गाड़ी है वो बिल्कुल भी बाहर आने वाली नहीं है, ठीक है। सो चलिए, मैं पहले तो आप लोगों को वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा, कौन सी गाड़ियाँ देखी, क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल है, वो सब हम देखने वाले हैं। एलॉयज, उसके बाद में सीट्स, उसके बाद में ग्लास, ये कम्प्लीटली डोर्स, ये पार्ट्स पूरे के पूरे यहाँ पे अवेलेबल है। और एक फ्रेंड्स मैं बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो मेरा जो एनालिटिक्स है उसमें नियर अबाउट 85-90% जो व्यूज है वो नॉन सब्सक्राइबर से आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए जॉब करना, उसके बाद में बिजनेस करना एंड उसके बाद में यूट्यूब के वीडियोज कंटेंट सर्च करना एंड उसको एडिट करके आप लोगों के लिए लाना, सो बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक तो लाइक एंड एक शेयर, उसके बाद में एक सब्सक्राइब जरूरी बनता है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं वहाँ पे क्या क्या देखा वो बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेन गेट रिवाइव ऑटोमोबाइल्स का। सो अभी आ गए हम गेट के अंदर एंड गाड़ियाँ देखने वाले हैं। आपने वीडियो पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में जो इसके ओनर है वो भी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप गेट में एंट्री करोगे सो ये जो आप बोल सकते हैं ये मेनली ये वाला स्क्रैप है, ठीक है। जो पार्ट्स सेल नहीं हुए या फिर बोल सकते जो नॉन रीयूजेबल है वो ये पार्ट्स है। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स पड़े हुए हैं जो अभी भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एलॉयज है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर जो है टाटा इंडिका जो V2 थी स्पेशली, उस गाड़ी के गेट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो अभी बीट देख रहे हैं ये भी कम्प्लीटली चालू कंडीशन की गाड़ी थी। उसी के बाजू में यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ है जो कि अभी भी यूज़ हो सकती है, थोड़ा सा अगर इसको डेंटिंग पेंटिंग किया जाए तो। उसी के बाजू में ओमनी है एंड बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखिए जो गाड़ियों के अलग अलग गाड़ियों के गेट है ये यहीं पे पड़े हुए हैं, ठीक है।
आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, अगर इस मर्सिडीज़ को कोई डेंटिंग पेंटिंग करके यूज़ करना चाहे सो अभी भी ये गाड़ी यूज़ होती है, हो सकती थी, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक बार इस गेट के अंदर गाड़ी आ गई सो वो बाहर नहीं जाती है। ये i10 देखिए कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन में ये i10 एंड ये गाड़ी पूरी की पूरी चालू गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोडा की फाबिया एंड उसी के बाजू में शेवरोले की एवियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेयर गाड़ी है स्पेशली उसके उन सभी गाड़ियों के पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाजू में आप लोगों ने देखा कि BMW, यहाँ पे कोरोला, सो BMW भी देखिए 320D की गाड़ी है, ठीक है। 320D काफ़ी अच्छा मॉडल है। यहाँ पे इंजन देखिए, पता नहीं इसी BMW का है कि और किसी गाड़ी का है। उसके बाजू में टाटा सफारी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑप्ट्रा है, यहाँ पे भी बीट है। उसके बाद में ये देखिए पजेरो, सेंट्रो, उसके पीछे नैनो, अलग अलग गाड़ियों के जो पार्ट्स है यहाँ से आप कम्प्लीटली बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी और भी मैं पूरी की पूरी गाड़ियाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एंड ये देखिए गाड़ी की जो कंडीशन है अंदर से काफ़ी अच्छी कंडीशन है। मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके बताना चाहता हूँ। जो इंटीरियर है देखिए काफ़ी फ्रेश इंटीरियर है, कोई बोलेगा नहीं कि ये स्क्रैप की गाड़ी है। सीट कवर्स भी है अच्छे खासे लगे हुए हैं गाड़ी पे, ये भी ऑप्ट्रा है। अगर आपके पास में भी कोई पुरानी ऑप्ट्रा हो सो आप यहाँ से पार्ट्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद में ये रही टाटा सफारी डाइकॉर, इसका तो कम्प्लीटली मुझे लगता है इसके जो भी पार्ट्स है वो कम्प्लीटली सेल हो गए हैं, ओनली गाड़ी का जो आउटर शेल है वही बचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियों के अलग अलग गाड़ियों के सीट्स एंड पार्ट्स है। ये भी गाड़ी देखिए काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, इंटीरियर तो बहुत ही अच्छे इस गाड़ी के। और देखिए जैसे एक्सीडेंटल भी गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी आती है, जैसे आप ये अभी देख पा रहे हैं ये एक एक्सीडेंटल गाड़ी है। लेकिन इसके जो एलॉयज है ये भी अच्छे कंडीशन में है, ये रीयूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाड़ी का जो स्टीरियो है सब कुछ है, ये भी पूरा का पूरा यूज़ हो सकता है। उसके बाद में रही रिट्स मारुति सुजुकी की, ये गाड़ी अभी भी मार्केट में काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी का बॉडी शेल जो है वो अच्छा ही है। उसके बाद में महिंद्रा की लोगन, आफ्टर दैट स्विफ्ट जो कि काफ़ी लोगों की पसंदीदा गाड़ी है, एंड ये रही हमारी पजेरो। सो पजेरो देखिए, पजेरो जो लोग गाड़ियों के शौकीन हैं उन लोगों को मालूम होगा कि एक बहुत ही पावरफुल 4x4 SUV थी। एंड हो सकता है इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो। सो यहाँ पे देखिए 4x4 गाड़ी थी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगर आपके पास भी पजेरो है तो आप यहाँ से पार्ट्स बाय कर सकते हैं। सो देखिए सिर्फ और सिर्फ 77,000 चली हुई गाड़ी थी, हो सकता है मीटर भी रिसेट किया हो, आई डोंट नो। ऊपर देखिए शायद इस गाड़ी का फ्रंट कोलिजन ही हुआ था एंड रोल हुई थी, क्योंकि यहाँ पे साइड फिंडर आप देख सकते हैं ये भी पूरा घिसा हुआ है। उसके बाद में स्कोडा, लॉरा, ऑक्टेविया, ये रही मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। सो आई थिंक स्विफ्ट के तो मोस्ट ऑफ द पार्ट सेल हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए रहा गाड़ी का साइलेंसर, एंड ये रही हमारी स्कोडा की, ये शायद ऑक्टेविया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिका विस्टा, टाटा बोल्ट, सभी तरह की अलग अलग गाड़ियाँ है, हुंडई वरना। सो यहाँ पे हो सकते ये वरना भी मुझे एक्सीडेंटल लग रही है फ्रंट साइड से। एंड ये देखिए ये रही लैंसर। सो जो स्पेशली लैंसर, जो लोग लैंसर को मॉडिफाई करते हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के स्पॉइलर भी पड़े हुए हैं। ये रहा गाड़ी का इंजन, कम्प्लीटली क्रैंकेस है ये गाड़ी की। सो यहाँ पे देखिए लैंसर भी है, जो लोग लैंसर को मॉडिफाई करना चाहते हैं सो वो पार्ट्स ले सकते हैं। ये रही रेनॉल्ट की लोगन, एंड इस गाड़ी का कम्प्लीटली इंजन निकाल लिया गया है। जनरली क्या होता है कि जो टैक्सी पासिंग गाड़ी है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है,
लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियाँ रहती है उनमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि स्क्रैप में अगर आप डालना चाहते हो तो ये रही लैंसर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया लैंसर यहाँ पे बहुत सारी है। अगर आपके पास में भी पुरानी लैंसर है एंड पार्ट्स चाहते हो, यहाँ पे देखिए इस गाड़ी की भी है, चलिए इसे लगा के देखते हैं इसी गाड़ी की है कि नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी की भी लग गई, ठीक है। हो सकता है ये भी गाड़ी अच्छी ही कंडीशन में आई हुई हो एंड अभी स्क्रैप में पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे भी होंडा सिटी ओल्ड जनरेशन मॉडल जो कि डॉल्फिन बोला जाता है जिसे, उसी के बाजू में स्विफ्ट भी है। सो स्विफ्ट आप देख सकते हैं, स्विफ्ट का जो डोर है उसके बाद में पीछे के जो टेल लैम्प्स है ये भी अच्छे कंडीशन में है। यहाँ पे ऊपर देखिए इंडिका विस्टा, आफ्टर दैट पीछे एक टवेरा पड़ी हुई है, ऊपर देखिए फोर्ड की आइकॉन भी है, यहाँ पे ओल्ड जनरेशन इंडिका V2, यहाँ पे देखिए बहुत सारी अलग अलग गाड़ियाँ हैं एंड बहुत सारी अलग अलग गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल है। वही पार्ट अगर मार्केट में आप लोगों को महंगा मिल रहा हो सो सेकेंड हैंड खरीद के भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों के जो ऐसे पार्ट्स रहते हैं वो रीयूज़ हो सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जिन लोगों का कुछ ऑटोमोबाइल हो सकता है वर्कशॉप हो, सो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो रह सकता है, क्योंकि आप सर से कॉल करके जो एक्सीडेंटल पार्ट्स है वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी स्कोडा लॉरा पड़ी हुई है, दो दो लॉरा एक बहुत अच्छी गाड़ी है एंड प्रीमियम सेडान थी। उसके बाद में उसमें 1.9 या फिर 2 लीटर का इंजन आता है एंड ये काफ़ी अच्छी एंड पावरफुल सेडान थी विथ फुल पैक्ड फीचर्स। सो ये देखिए ये रही स्कोडा की लॉरा एंड काफ़ी हैवी गाड़ी थी फ्रेंड्स ये लॉरा। जिन लोगों के पास में अभी भी लॉरा है सो उन लोगों को मालूम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर पूरा अभी पानी भरा हुआ है इस गाड़ी में, लेकिन अभी भी इसके कुछ पार्ट शेयर हो सकते हैं। सो इस गाड़ी में तो देखिए मुझे बहुत ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये सीट्स तो यूज़ नहीं हो सकती है, लेकिन ऊपर देखिए इस गाड़ी में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि काफ़ी गाड़ी में इस फीचर्स मिलते थे, ऊपर सनरूफ भी है इस गाड़ी में। सो चलिए अभी थोड़ा बाहर निकलते हैं, ये देखिए लैंसर, पीछे भी बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स पड़े हैं, डैशबोर्ड पड़े हुए हैं। उसके बाद में मैं अभी आप लोगों को गाड़ी के कुछ इंजन पार्ट्स बताने वाला हूँ। सो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी हम देखने वाले जो इंजन पार्ट्स है उसके बाद में गाड़ी के ब्रेक बूस्टर्स है ये सब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, उसके बाद में गाड़ियों के जो बोल सकते हैं टर्बो चार्जर जो कि बहुत महंगे आते हैं ये भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, रेडिएटर एंड ये जो ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन विथ इंजन, मुझे तो लगता है ये शायद महिंद्रा स्कॉर्पियो का हो सकता है। यहाँ पे देखिए विंडशील्ड भी अवेलेबल है, अलग अलग गाड़ियों के इंजन्स है। आफ्टर दैट टायर्स भी अवेलेबल है, सो टायर्स तो जनरली कोई रीयूज़ नहीं करता है, लेकिन तभी भी यहाँ पे देखिए हुंडई का इंजन पड़ा हुआ है, हो सकता है ये i10 या फिर वरना का हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो इंजन पार्ट्स है यहाँ पे अलग निकाल के रखे गए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि गाड़ियों के अलग अलग गाड़ियों के डिश एज वेल एज एलॉयज भी पड़े हुए हैं, ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विंडशील्ड भी पड़ी हुई है अलग अलग एंड ये बहुत कम रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अभी आप देखिए जैसे कि ओनर है वो हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या है। ये रहा गाड़ी का इंटरकूलर, सो चलिए ओनर से मिलते हैं एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए। सो फ्रेंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज हम स्क्रैप जो ये हमने देखा पूरा का पूरा सो उनके ओनर से मिलने वाले हैं। सो अभी हमारे साथ में है आदेश सातव सर एंड सर हमें बताने वाले हैं कि स्क्रैप प्रोसीजर किस तरह से होता है एंड उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। जैसे कि देखो, जब भी गाड़ी 15 ईयर्स कंप्लीट करती है
अदरवाइज सपोज सम व्हीकल मेट इन एक्सीडेंट, या अगर कोई गाड़ी इंजन सीज होती है, वाटर डैमेज होती है, तो इन दैट केस वो सब गाड़ियाँ जो है वो स्क्रैप के लिए आती है. जिस टाइम वो गाड़ियाँ स्क्रैप के लिए आती है, उस टाइम हम लोग उनकी आरसी वेरीफाई कर लेते हैं. वो इंडिमेशन आरटीओ को जाता है. जब आरटीओ का मेल आता है, तब उसमें उनके जो भी रहेंगे इश्यूज, इसके पहले अगर उन्होंने सिग्नल ब्रेक किए हैं, नो पार्किंग में गाड़ी है, वो सारे के सारे जो उनके फाइन है वो सब पहले क्लियर होते हैं. फिर आरटीओ उनको स्क्रैप करने का, गाड़ियों वही गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए वो हमें मेल करते हैं. फिर ये गाड़ी का चेसिस प्लेट कट होकर ये प्लेट हम आरटीओ को भेज देते हैं. फिर आरटीओ हमें वो गाड़ी काटने के लिए एक समय देता है. उसी समय में वो गाड़ी कटिंग करके हमें उसका वीडियो आरटीओ की साइट को अपलोड करना है. ओके. एंड सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंटल हो, जैसे बोल सकते हैं कि टोटल लॉस में गई हुई है गाड़ी, तो आप वो भी गाड़ियाँ स्क्रैप करते हैं? जी. ओके. सो उसका कैसा क्या प्रोसीजर है? स्क्रैप में गाड़ी लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है. बस आपकी आरसी ओरिजिनल और ओरिजिनल आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ होने जरूरी है. ओके. सो मतलब कोई भी फिर गाड़ी स्क्रैप में डाली जा सकती है? कोई गाड़ी स्क्रैप में डाल सकते हैं. ओके. एंड जो सर, जैसे अभी आपके पास में अगर फॉर एग्जांपल नई अभी गाड़ी स्क्रैप के लिए आई हो, एंड वो गाड़ी कम्प्लीटली अच्छी कंडीशन में है, सो वो क्या पार्ट्स रीयूज हो सकते हैं? पार्ट रीयूज होते हैं. ओके. लेकिन वापस वो गाड़ी कभी रोड पे नहीं आ सकती. ओके. सो जैसे कि बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी का कोई इंजन है, एंड उसमें कि अगर कोई बोलो पिस्टन या फिर सिलेंडर जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, सो वो यूज़ कर सकते हैं क्या? ज़रूर ज़रूर. वैसे तो मोस्टली जो चाइल्ड पार्ट्स है उन इंस्टेड मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कंप्लीट इंजन ले लो, क्योंकि क्या है ना, असेंबली में हर बार ज़्यादा खर्चा होता है. ओके. तो जो खर्चा आपको असेंबली करने में आता है, उससे कई गुना कम में पूरा इंजन आ जाता है. डेफिनेटली. सर, और एक मेरा आपसे सवाल ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी का ग्लास हो या फिर स्टेयरिंग हो, रैक एंड पूरी की पूरी असेंबली हो, रैक एंड पिनियन की, अगर वो कोई चाहता है तो आपसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं क्या? ज़रूर ले सकता है. यहाँ आपके लिए मैंने और एक ऑप्शन रखा है कि अगर पुणे स्टेट छोड़ के पूरी इंडिया में अगर कोई भी पार्ट मंगवा रहा है, तो उसको कंपलसरी मैं सीओडी प्रोवाइड करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी. ओके. मैं कभी उनका पेमेंट एडवांस में नहीं लेता. ओके. जब पार्ट पहुँचता है तभी उसका पेमेंट करना है. ओके. सो सर, आप हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए ताकि मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ. मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, पूरा डिटेल आप चेक करो. अगर किसी को पार्ट मंगवाना है तो उसमें मेरा नंबर भी मेंशन है, आप कभी भी डेफिनेटली कॉल कर सकते हो. और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की और एक हेल्प करना चाहता हूँ कि जो सर का लोकेशन है गूगल मैप्स का, सो वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ पे भी जाके, यहाँ पे भी आके कोई पार्ट्स खरीद सकते हैं. राइट सर? थैंक यू. राइट. ओके. सो थैंक यू सो मच सर कि आप लोग, आपने हमें इतना अच्छा जो बताया सब कुछ, जो जनरली कोई हेल्प नहीं करता है, इतने जो पार्ट्स रहते हैं वो कम चीप रेट्स में प्रोवाइड नहीं करता है. सो आपकी वजह से बहुत हेल्प हुई है. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट टू यू टू.